नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। मैं आपके साथ हूं अविनाश। झारखंड से जुड़ी पर्यावरण के विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे हैं राज्यसभा एमपी महेश पोद्दार जी के पास। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पर्यावरण पोस्ट के साथ जुड़ने के लिए। आप झारखंड से हैं और झारखंड में पिछले कई सालों में बहुत से बदलाव देखा झारखंड ने, वहाँ के लोगों ने। एक आदिवासी बहुल इलाका है, इसके बावजूद उनमें भी बहुत सारे बदलाव है। तो आपने, चूँकि आप झारखंड से जुड़े हुए हैं, आपने शुरू से अब तक क्या क्या बदलाव देखे वहाँ से? नहीं, यदि आप झारखंड के बदलाव की बात करते हैं तो शायद आपका इशारा है कि 2000 के बाद जब झारखंड अलग राज्य बना उसके बाद का बदलाव। शहरीकरण हुआ है, शिक्षा की सुविधाएं बढ़ी हैं, राजनीतिक अस्थिरता भी बढ़ी है और इसे मैं एक संभावनाओं का प्रदेश देखता हूँ और वो संभावनाएं अभी तक पूरी तरह उपयोग में नहीं लाई गई हैं। जब हम किसी चीज़ के बढ़ने की बात करते हैं, उसी तरह से झारखंड के विकास की एक बात होती है, वहाँ पे पॉल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या के तौर पे उभरता आ रहा है, आप इससे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पॉल्यूशन के मामले में मैं समझता हूँ कि मेरा एक मानना है और मैं समझता हूँ ये बहुत लोगों का मानना है कि पॉल्यूशन को आप रोक नहीं सकते। ट्रिक ये है कि आप उसको प्रबंधन उसका कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी वैसे वैसे पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, लेकिन उसका प्रबंधन कैसे करते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। एक सवाल है कि आप झारखंड से प्रतिनिधित्व करते हैं उच्च सदन में, आपने ऐसे कोई कार्य किए होंगे जो आपने सोचा हो कि ये होना चाहिए, हो नहीं पा रहा था और आप राज्यसभा एमपी बने और उसे करने की कोशिश किए या उसे करने में आपने सफलता पाई हो? देखिए, मैं राज्यसभा का सदस्य बना तो इतना जरूर है कि मैं झारखंड का प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो झारखंड के शब्द से जो राज्यसभा के लोग करीब करीब अपरिचित थे तो मेरा पहला दायित्व था वहाँ पे झारखंड सबसे लोगों को परिचय कराना। हमारे विपक्ष के एक बड़े नेता ने झारखंड को जब मॉब लिंचिंग का अड्डा बोल डाला तो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद में मैंने भी कई तरह से उस बात का प्रतिवाद किया, क्योंकि मैं समझता था कि मेरा एक धर्म है, कर्तव्य है कि मैं राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ और अपनी पार्टी के कार्यक्रम के साथ साथ झारखंड के हित का भी समर्थन करूं और झारखंड के ऊपर यदि कोई आँच आए या कोई उसके प्रति कोई नकारात्मक बात कही जाए तो उसका मैं प्रतिवाद करूं। मैंने सैकड़ों प्रश्न पूछे हैं। एक सांसद के दायित्व के तौर पे मेरी उपस्थिति भी करीब करीब 100% है और ये सैकड़ों प्रश्न में राष्ट्रीय मुद्दे के अलावा झारखंड के भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जो एक पार्लियामेंटेरियन के काम करने का तरीका, इसके अलावा जीरो आवर, स्पेशल मेंशन, हर तरह से मैंने कोशिश की है कि झारखंड फर्स्ट और उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे अपने राज्य का पक्ष रखा है। साथ ही साथ मैंने राज्य स्तर पर भी सैकड़ों पत्र लिखे होंगे मुख्यमंत्री को और विभिन्न लोगों को विभिन्न मुद्दों पर सुझावों के साथ, और कई बार मुझ पर आरोप भी लगे कि आप अपने ही सरकार को पत्र लिखते हो, लेकिन मैंने कहा ये भी आरोप नहीं, ये सुझाव है। मानना न मानना, करना नहीं करना, वो उनका निर्णय है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ एज ए सार्वजनिक व्यक्ति के तौर पे और एक जनप्रतिनिधि के तौर पे मैंने उनको बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जन्मभूमि गुमला में है और वहाँ पर एक स्थान है बाबा टांगीनाथ जी, दो उस क्षेत्र का एक बड़ा तीर्थ स्थल भी है, उसके विकास के लिए क्या भूमिका है, आगे चल के क्या कुछ योजनाएं हैं? ये सांसद बनना तो एक इत्तेफाक है मैं यूँ कहूँगा, लेकिन उसके पहले से मैं गुमला में जन्मा हूँ। बाबा टांगीनाथ के प्रति मेरी असीम भक्ति है और हम लोगों ने एक पिछले करीब 10 वर्षों से सावन के समय कुछ कार्यक्रम चलाते हैं और मेरा मानना था कि सावन के समय ये कुछ भक्तजनों की वहाँ पे वृद्धि हो जाए, लोग अधिक जाने लग जाएं, तो वहाँ के स्थानीय निवासियों के भी आय का एक साधन बनेगा। तो हम लोग कई एक जगह से
पॉम्पलेट बांटना, कई जगहों से फ्री बसेस चलाना, रांची से भी हर साल एक दो बसें जाती है, और मुझे खुशी है कि ये बताते हैं वहाँ के लोग कि अब जब से ये यात्रा शुरू हुई है, स्पॉन्सर्ड यात्रा शुरू हुई है, तब से वहाँ पे हर साल भीड़ करीब दुगनी होते जा रही है। और मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अमरेश्वर धाम की तरह वहाँ भी सावन में काफ़ी लाखों के लोग में संख्या में, वो जो मेरा सपना है वो पूरा होगा। वैसे इस बार तो शायद से भीड़ नहीं इकट्ठा हुई क्योंकि कोरोना के नियमों के चलते सब बंद किया गया है जी। कोरोना के नियमों के चलते इस बार तो झारखंड में पाबंदी लगा दी गई थी इन चीज़ों को लेकर। नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि माननीय सांसद सुदर्शन भगत जी भी इस विषय पे प्रयासरत रहते हैं वहाँ पे, और हमने कह रखा है वहाँ की समिति को कि जितना भी फंड चाहिए जो भी वहाँ काम करना चाहते हैं वो करेंगे, और इस दिशा में कुछ वहाँ पे कार्यक्रम। लेकिन वहाँ पे दिक्कत ये हो रही, वहाँ पे ज़मीन नहीं है, वहाँ पे इर्द गिर्द सारी निजी ज़मीन है और आदिवासी भाइयों की है जिनको एडमिनिस्ट्रेशन छूना नहीं चाहता। झारखंड एक आदिवासी क्षेत्र है और आदिवासी जो होते हैं वो प्रकृति के सबसे नज़दीक कहे जाते हैं। नदी जो होती है वो एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, मीठे पानी के या फिर मीठे पानी के लिए। रांची की 60% आबादी जो है फिलहाल के समय में वो सप्लाई वाटर पर निर्भर कर रही है। आबादी बढ़ने के कारण क्या पेयजल संकट आने वाले समय में बढ़ने वाला है? देखिए, आबादी तो बढ़ी है और सैकड़ों हजारों बरस से बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी आबादी का कंसंट्रेशन एक जगह पे शहरों पे जमा हो रहा है, जो अर्बनाइजेशन होने की वजह से लोग एक जगह पे हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर विशेष क्षेत्र की मांग बढ़ती है। शहरी जलापूर्ति एक अर्बनाइजेशन का एक हिस्सा है और एक महत्वपूर्ण दायित्व है अर्बन डेवलपमेंट को देखने वाले लोगों के लिए। हम सबको मालूम है कि हटिया डैम की कैपेसिटी कम हो रही है और वहाँ पे स्मार्ट सिटी भी आ रही है, जहाँ पर कैपिटा आम लोगों की अपेक्षा दुगनी तुगनी पानी की खपत होगी। मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, और मैंने कई बार ये प्रश्न पूछे हैं, किसी ने जवाब दिया नहीं है कि जब हटिया डैम एग्जिस्टिंग वहाँ के इर्द गिर्द लोगों को नहीं दे पा रहा है तो अर्बन सिटी को भी और कैसे देगा। तो ये, और मैंने कई एक बार सुझाव दिया कि चाहे वो गुमला के पास से पाइपलाइन लाएं या कहीं और जगह से लाएं, कहाँ बुंडू के पास से लाएं, कहीं से भी लाएं, रांची शहर को एक अल्टरनेटिव जलापूर्ति स्कीम की आवश्यकता है। और अब जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा है कि हर घर तक हम नल से जल देंगे, तब तो यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं समझता हूँ राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पर कार्य करेगी, और मुझे विश्वास है कि राज्य सरकार यदि कोई योजना लेती, अभी भी करीब 2700 करोड़ रुपये उनको दिए गए इस योजना के लिए, धन की समस्या नहीं होगी, लेकिन यदि वो ईमानदारी से काम करेंगे तो 2024 तक झारखंड के हर घर तक नल से पानी मिलेगा। इसके लिए जल के स्रोत भी बढ़ाए जाएंगे, वितरण की व्यवस्था भी की जाएगी। सर, जल के स्रोत बढ़ाए जाएंगे और तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन झारखंड में 3 प्रमुख नदियां हैं और रांची के लिए जो रांची के हिसाब से महत्वपूर्ण है वह है हरमू, दामोदर और सोनरेखा। इनको जीवनदायिनी माना गया है, लेकिन आज स्थिति यह है कि हरमू नदी अतिक्रमण का शिकार हो चुकी है, एक नाले में तब्दील हो चुकी है, उसकी चौड़ाई सिमट गई है। इसके अलावा स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि पूरे शहर का कचरा उसमें गिर रहा है। 2 और नदी हैं, जुमार और पोटपोटो, इन नदियों की स्थिति भी इससे बची हुई नहीं है, इनकी भी स्थिति ऐसी ही हो चुकी है। कांके डैम है, चतरा का तालाब है, बड़ा तालाब है, इसके किनारे आवासीय परिसर बन चुके हैं, जमीनों का अतिक्रमण हो चुका है। आखिरकार ये स्थिति का सामना कैसे करेगी सरकार या लोग कैसे करेंगे? आप राज्यसभा सांसद होने के नाते क्या सोच रहे हैं इस बारे में? साहब देखिए, ये समस्याएं जितनी आपने बोली इसे नकारा नहीं जा सकता, चूँकि ये हकीकत है, हम सब देख रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं। और दुर्भाग्य ये है कि आज हाईकोर्ट को इन मामलों में हस्तक्षेप करना पड़ रहा है, उसके बाद भी वांछित परिणाम नहीं आते, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है। और एक प्राथमिकता क्या होनी चाहिए उसकी कमी है। सारे शहरों में, तालाबों में, नदियों में पानी गंदा जाता है,
और जाएगा। गंगा के किनारे भी 200 बरस से लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक बहुत इच्छा शक्ति वाले प्रधानमंत्री और उनके टीम की आवश्यकता हुई और भगवान ने का आशीर्वाद मिला कि आज के दिन में वो गंगा के किनारे का पानी लेकर के पीने के लायक वो बन गया है। तो संभव है, तकनीकी है, करने वाला चाहिए। हमने कभी निर्णय लिया है क्या कि हम ये सब कुछ करेंगे? हमने निर्णय नहीं लिया है। तो हम लोग बात पर्यावरण की करते रहें और हम वक्तव्य देते रहें लेकिन या अनशन करते रहें, उसे तो कुछ होने, जिनको काम करना है उन्होंने निर्णय नहीं लिया है कि हमें ये ठीक करना है। जिस दिन वो निर्णय ले लेंगे, तो जैसे गंगा ठीक हो सकती है जिसके किनारे इतने बड़े बड़े शहर हैं, वैसे रांची तो मामूली सी चीज़ है। सर ऐसा भी खबरें आई वहाँ से कि करोड़ों रुपये उसमें खर्च भी कर दिए गए हैं लेकिन स्थिति उसकी वैसे की वैसी है, सुधार नहीं हो रहा उसमें। देखिए, करोड़ों रुपए खर्च करने से यदि समस्याओं का निदान होता तो देश में बहुत सारी समस्याएं दूर हो गई होती। गंगा नदी पे भी करोड़ों रुपए खर्च हुए थे, लेकिन जैसे मैंने कहा, इच्छा शक्ति और कमिटमेंट, इच्छा शक्ति और निर्णय, वैसा कुछ हुआ नहीं है। मेजरेबल टर्म्स में कुछ है नहीं। सर नदियों में से जो प्लास्टिक निकाले जाते हैं, जो कचड़े ज़्यादा करके निकलते हैं, उसमें प्लास्टिक की संख्या बहुत बड़ी होती है। 40 माइक्रोन तक की प्लास्टिक की जो कैरी होती है, जो बैग होता है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने भी कुछ समय पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को ना यूज करने को लेकर अपील भी कर चुके हैं, उसको प्रतिबंधित करने की अपील की है। लेकिन 2 जुलाई 2021 को जागरण में एक रिपोर्ट छपी है, उसके मुताबिक धनबाद में हर दिन 21 टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। 26,000 टन कचरा डंप किया जा चुका है अभी तक। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिंगल यूज प्लास्टिक से झारखंड या और भी जो इलाके हैं वो मुक्त क्यों नहीं हो पा रहे हैं? प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद भी इसमें क्या ऐसा संभव होता दिखता है या फिर सिंगल यूज प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है? देखिए, सिंगल यूज प्लास्टिक तो हकीकत है कि ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ये भी एक तथ्य है कि नई जनरेशन के जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घुस रही है और वो उसको उससे परहेज कर रहे हैं। पर जो संख्या वर्तमान में खपत हो रही है और जो सुविधा इससे मिल रही है, उससे यदि हम ये सोचें कि कल दिन सिंगल यूज प्लास्टिक बंद हो जाएगा या प्लास्टिक कैरी बैग बंद करने से प्लास्टिक का पोल्यूशन ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्लास्टिक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है, वो कचरा बनेगा ही। अब पूरे विश्व ने इस समस्या के बहुत सारे उपाय निकाले हैं, आपको भी सीखने की आवश्यकता है, देश में भी बहुत शहरों ने किया है, हमें भी करना पड़ेगा, हमें प्लास्टिक कचरे को अलग करना पड़ेगा। लेकिन आप अपनी राजधानी में भी गीला कचरा और सूखा कचरा जो नहीं अलग मेंटेन करता उस पर तो जुर्माना लगाता है, लेकिन दोनों कचरे को एक साथ एक गाड़ी में लोड करके ले जाते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये मैंने कहा है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। रांची का भी यही हाल है सर कि वहाँ पे भी गीला कचरा सूखा कचरा जो अलग होता है, लेकिन डंप दोनों को एक ही जगह पे कर दिया जा रहा है, अंत में ले जाके मिला दोनों को एक ही साथ दिया जा रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि प्लास्टिक कचरे को अलग करके कटाई छटाई करके उसको रिसाइकलिंग के लिए डालना है। हाँ, तो दिक्कत ये है ना कि जो तत्कालीन सरकारें हैं उनको ये देखना पड़ेगा। और सरकारों में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीतिक स्तर पे यदि मोदी जी का एक विल है, तो मैं समझता हूँ कि जब तक कोई भी भाजपा की सरकार हो, राज्य सरकार हो, जैसे पिछली बार रघुवर सरकार थी, तो उनके नियत में कोई फर्क नहीं होगा। हाँ, क्रियान्वयन करना तो बाबुओं का काम है, अब वो किस तरह से करते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है कि रांची शहर जैसे शहर में कचरा उठाने के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट जिस तरह से उसके नियम कानून और ठेकेदार बदले जाते हैं, ये भी अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति है कि किसी शहर की राजधानी में ऐसा कुछ हो सकता है सालों तक। सर झारखंड की राजधानी रांची, जहाँ पर जिसकी तरफ पलायन बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है और वहाँ की जनसंख्या भी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आंकड़े बताते हैं कि नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 2,05,000 से अधिक घर नए बने हैं। उसके अलावा हर महीने कम से कम 100 घर नए बन रहे हैं और जो वहाँ के संसाधन हैं वो तो सीमित ही हैं। तो ऐसे में जो तालमेल है या संतुलन जो है, क्या ये बिगड़ता नहीं है इस तरीके से? शहरों का विस्तार कौन करता है? सरकार तो नहीं कर रही है।
जनता कर रही है और जनता करेगी, उसको उसकी आवश्यकता है। सरकार का काम है प्रबंधन करना। तो अगर 2 लाख नए घर बने हैं और जहाँ तक मुझे मालूम है कि पूरे शहर में नए पुराने सारे लोगों को मिला के 1 लाख घर भी शायद नक्शे पास नहीं है, और अगर नक्शे पास है तो उनके रिकॉर्ड नगर पालिका के पास नहीं है। मैंने अपने केस में एक RTA दिया था तो मेरे पुराने मकान का मैंने रिकॉर्ड मांगा था तो उन्होंने बता दिया मेरे पास नहीं है। अब सोचिए जरा कि 50 बरस 60 बरस 70 बरस पहले मेरा मकान बना और नक्शा मेरे पास नहीं है, माता पिता का देहांत हो गया, कॉरपोरेशन के पास भी नहीं है, मैं उनको रसीद की कॉपी दे रहा हूँ कि रसीद आप काट रहे हो तो नक्शा तो पास हुआ ही होगा, देने की स्थिति में नहीं है। और यदि मुझे बोले और पूरे शहर को क्या 70% 80% मकानों को तोड़ दिया जाएगा, असंभव, नहीं दिया जाएगा। और उनको बोला जाएगा आप पोल्यूशन कर रहे हो, आप यहाँ के क्यों बसे, मैं बोलता हूँ भाई साहब वो तो बसेंगे ही, जिस संस्था ने उनको प्रबंधन नहीं किया है दोषी वो है। ऐसा नहीं है कि अचानक कोई रिफ्यूजी के तौर पे 1 लाख लोग आकर रांची में बस गए, हर साल कुछ लोग बसे हैं और बहुत व्यवस्थित ढंग से बसे हैं। उनको आपने ना तो सड़कें दी, ना आपने सीवरेज लाइन दी, ना आपने शौचालय के लिए कोई सफाई व्यवस्था की, बस बस गए लोग खेतों में बस गए। आज भी किसी को होश नहीं, इसमें आज भी स्मार्ट सिटी तो रांची जरूर हम बोल रहे हैं लेकिन वो एक आवासीय कॉलोनी बन गई है। पूरे शहर में न सड़कें हैं, न लिंकेज रोड है, न इनर रोड है, इसकी कोई चिंता नहीं है। और सारी पॉलिटिकल पार्टियां, मैं तो गर्व से कह सकता हूँ कि मैंने टाइम टू टाइम बहुत कुछ बोला है, मीडिया ने छापा भी है, कुछ लोगों को बुरा भी लगा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आज राज्यसभा का सदस्य हूँ, एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन उसके पहले मैं शहर का एक नागरिक हूँ। बिल्कुल, और मैं भी पीड़ित हूँ। जैसा कि आपने कहा कि नक्शे सड़कें नहीं हैं रांची के, रांची शहर के हालात, राजधानी की थोड़ी सी बारिश अभी कुछ दिन पहले हुई थी, सड़कें तालाब बन गई, कोई प्लानिंग नहीं है कि कैसे शहर को बसाया जाए। अगर लोग बढ़ रहे हैं तो अभी से कंट्रोल नहीं होगा तो आने वाले समय में तो स्थिति और विकराल हो सकती है। देखिए, अब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई नई चीज़ नहीं है। भारतीय सभ्यता में मोहनजोदड़ो के समय में भी शहर प्लान करके बसाया जाता था। तो अगर इतने हजार बरस के बाद में भी हमारे लोगों को अकल नहीं आई है तो कब अकल आएगी भगवान जाने। और इस शहर में, इस देश में और भी बहुत सारे शहर हैं जो दुगने तिगने उनकी पॉपुलेशन हो गई और हो रही है, वो व्यवस्थित ढंग से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, करोड़ों रुपए तो, अरबों रुपए तो शहरी विकास मंत्रालय केंद्र का दे रहा है हमें, हम उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, क्या हमारी प्राथमिकता है। जो शहर रांची जैसे टोपोग्राफी वाली जगह पे पानी के निकास की व्यवस्था नहीं कर सकता हो, मैं समझता हूँ उसे 500,000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग बनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। खनिज व वन संपदा जो झारखंड की एक अपने आप में एक संपदा है उस प्रदेश की, उसके सदुपयोग कर झारखंड को और मजबूत और आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं। देखिए, खनिज के मामले में मोदी सरकार आने के बाद में बहुत बड़े क्रांतिकारी निर्णय लिए गए हैं और इन सारे निर्णयों के पीछे था कि एक इतिहास है, ये वैश्विक इतिहास है कि जहाँ मिनरल्स होते हैं वहाँ के लोग गरीब रहते हैं, वहाँ गरीबी रहती है। हमारे यहाँ भी आयरन और माइन के एरिया में लोग लाल पानी पीने को मजबूर थे, कोयल क्षेत्र में काला पानी पीने को लोग मजबूर थे, आज भी हैं लेकिन काफ़ी कम है। इन्होंने 2-3 योजनाएं चालू की, लाइक डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड, और उसको लोगों ने अभी तक उसका प्रभाव अपने यहाँ नहीं दिखा है, उड़ीसा में दिखने लग गया है कि जिस जिले में मिनरल अधिक होता है वहाँ पे ये सार्वजनिक उपयोग के लिए, उनके जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के फंड को सप्लीमेंट करते हुए बहुत कुछ तेज़ी से बदलाव किया जाए, ये हो रहा है।
अभी जो निजी क्षेत्र में जो ऑक्शन करके जो माइन जा रही है उसके जो पैसे मिलेंगे वो भी राज्य सरकार को मिलेंगे। अब प्रश्न ये है कि राज्य सरकार उनको नौकरी में और फिजूल खर्ची कर देती है या जीवन स्तर को अच्छा करती है, ये सरकार का निर्णय है या आपका निर्णय है? बिल्कुल, केंद्र सरकार ने अपना काम कर दिया है। सर एक सवाल ये है कि अभी हाल ही में आपने राज्यसभा में 5G को लेकर एक सवाल किया था जी, उसको आपको जवाब भी मिला जो कि सभी प्लेटफॉर्म पर उसको हमने देखा। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप अपने सवाल को और सरकार से मिले जवाब को छोटे में बताइए। देखिए, एक लोगों के दिमाग में एक प्रश्न है और बराबर होता है कि ये सेलुलर टेलीफोन सबसे चालू हुआ, जैसे 2G आया तो हुआ कि 2G के बाद में 4G आया, तो ये पहले वाला 2G के लिए लोगों के दिमाग में था कि पता नहीं ये कौवे मर जाते हैं और आदमी का ब्रेन जो वेव जो चल रहा है वो आदमी के ब्रेन को अफेक्ट करता है। तो नेचुरली जब 2 से 4G हुआ तो ये और पावरफुल हो गया, 5G होगा तो उससे भी अधिक पावरफुल होगा। तो एक आम आदमी के दिमाग में ये चिंता होना स्वाभाविक है। और आम आदमी खुद भले ना यूज करे या बुजुर्ग आदमी यूज ना करे, उनके बच्चे तो यूज करते ही हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था कि जिससे ये आशंका दूर हो जाए कि 5G इज एज सेफ एज 2G और 3G और 4G और कोई इसमें हार्मफुल नहीं है। बल्कि और उन्होंने बहुत विस्तार में जवाब दिया, बहुत तरह के रिसर्च हुए, पूरी दुनिया में रिसर्च हुए, भारत में भी रिसर्च हुए कि नहीं, इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सर, झारखंड में एक जनजाति है और आदिम जनजाति, इनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। आज़ादी के बाद से 9.27% इनकी जनसंख्या घट गई है, ये आंकड़े कुछ आए हैं। मतलब ये आदिम जनजाति जो है ये विलुप्त होने की कगार पे हैं, एक तरीके से इनका जो रहन सहन वो खत्म होते जा रहा है, इनकी संख्या घटती जा रही है। इनको संरक्षित करने के लिए क्या आपने कोई प्रयास किए या प्रदेश में क्या हो रहा है इसको लेकर, कुछ आप बताएं इस बारे में। देखिए, अभी मैंने एक संथाल परगना में जो बहुत हजारों वर्ष पुराने फॉसिल्स हैं उसके लिए वहाँ पे ध्यान आकर्षण करने के लिए सरकार का मैंने वो डाला है कि वो उनको फॉसिल्स जो है उसके पीछे भी कुछ विज्ञान है तो उसको संजो कर रखा जाए और उसे बर्बाद नहीं किया जाए। तो मनुष्य, ये जो जनजाति के लोग हैं तो ये मनुष्य के ही धरोहर हैं और उन्हें सजो कर रखने की आवश्यकता है। जैसे पहाड़िया जनजाति संथाल में है, उसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कहीं ना कहीं सरकारी प्रयास के अलावा जो एक सामाजिक संस्थाओं का जो प्रयास होता है, अभी तक इस पर किसी ऑर्गेनाइज संस्था ने कोई काम नहीं, मेरी जानकारी में तो नहीं किया है। लेकिन आपने ठीक कहा कि इनको बचा के रखने की आवश्यकता है। अपने छोटा नागपुर क्षेत्र में भी कुछ जनजातियां हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए कि मेन स्ट्रीम में आने के बाद में अगर कोई जनजाति अपनी पहचान छोड़ देता है तो उसको आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, उसको बांध के नहीं रख सकते, उसको आप कानून के द्वारा उसे मजबूर नहीं कर सकते, उसकी स्वेच्छा का प्रश्न है। जैसे कि आपने जनजातियों के बारे में कहा कि अगर स्वेच्छा से वो अपना धर्म छोड़ दे रहे हैं, सब कुछ छोड़ दे रहे हैं, झारखंड में एक बहुत चर्चित विषय रहा है धर्मांतरण का, बहुत सारे लोग जनजातियों को बहला फुसला कर उनका धर्मांतरण करवाते हैं। ये विषय कुछ समय पहले तक इसको लेकर कानून बनाने की भी मांग हो रही थी कि इससे रिलेटेड कानून बने, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, धर्मांतरण कानून बहुत स्पष्ट है कि लोभ या भय के द्वारा धर्मांतरण नहीं कराना, और इसमें सारे लोग एक मत हैं, कोई ये नहीं कहता कि हमने लोभ या भय से कराया है। तो सिद्धांतत कानून तो सही है,
जिसको सारे लोग स्वीकार करते हैं, ईसाई लोग भी स्वीकार करते हैं, मुसलमान लोग भी स्वीकार करते हैं, हिंदू भी करते हैं और हमारे आदिवासी भाई बहन वो भी स्वीकार करते हैं। तो कानून में तो कोई गलती है नहीं, लोभ भय से ही काम होना नहीं चाहिए, सही बात है। चूँकि लोभ भय के कारण जो होता है तो एक बार तो भले काम हो जाए लेकिन बाद में इसकी सामाजिक समस्याएँ बहुत तरह की उत्पन्न होती है, कई बार इसके कारण से मारकाट भी मच जाती है, तो इसलिए सही है कि ये नहीं होना चाहिए। अब किस कानून का किस तरह से लागू होता है ये एक अलग विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों को इस पे कड़ाई से इस कानून को लागू करना चाहिए ताकि समाज में ज़्यादा वैमनस्य ना हो, लोग को एग्जिस्ट करें। यदि कोई अपनी इच्छा से कहीं जाके बदल कर लिया तो कर लिया। झारखंड में क्या इसको लेकर कोई कानून बनाने की बात हो रही है? झारखंड में कानून बन गया है, पिछले सरकार ने बना दिया था कानून, लेकिन वो लागू तो नहीं हो पाता। लागू है वो कानून, लागू है, फिर भी बदलाव हो रहे हैं लगातार खबरें नहीं देखिए जो खबरें आ रही हैं वो लुक छुप के हो रहा है, उसका विरोध भी हो रहा है, उसके कारण समस्या भी हो रही है। ठीक है, झारखंड में कोरोना के हालात से आप तो बहुत अच्छे से परिचित होंगे, वहाँ पर किस तरह की स्थिति थी, क्या वहाँ पे वाकई ऑक्सीजन की कमी थी और क्या ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी व्यक्ति की वहाँ पर जान गई है, इसको लेकर आपने ट्विटर पर भी कुछ बातें कही हैं। देखिए हमें गर्व है कि हमारे पास दो स्टील प्लांट हैं और दो या तीन स्टील प्लांट हैं और स्टील प्लांट हर स्टील प्लांट में बड़े बड़े ऑक्सीजन के प्लांट होते हैं और उन लोगों के पास में कुछ स्पेयर कैपेसिटी भी होती है। और मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहूँगा रांची एयरपोर्ट और रेलवे के अपने टीम को, रात भर उन्होंने, मतलब मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी इतने बड़े बड़े टैंकर एयरफोर्स के प्लेन में घुस करके इधर उधर जा रहे हैं और चले आएंगे। तो आज कल्पना कीजिए कि दिल्ली से आज शाम को टैंकर चलता था, रात को रांची उतरता था, दूसरे दिन वो जमशेदपुर में या बोकारो में ऑक्सीजन ले करके ट्रेन से 24 घंटे के अंदर वापस दिल्ली पहुंच जाता था। ये जो ऑपरेशन हुआ है कुछ सहज नहीं था। तो झारखंड में ऐसे लिक्विड ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे पीएसए प्लांट नहीं लगे थे, लगने की जगह भी नहीं तय की गई थी, वो जो कोताही हुई है। देखिए मैं कोई राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहा इसको, और जिसने नहीं किया है उसको मानना चाहिए कि हाँ हमसे भूल हुई है। अब नहीं हुई, नहीं हुई। अभी मैंने जानकारी ली थी तो दो जिलों में अब भी जगह पहचाने नहीं गए हैं केवल, और 27 जिलों में काम चल रहा है। काम चल रहा है का मतलब कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि मशीन आई नहीं हो सकता है मशीन आ गई हो, मशीन का ऑर्डर चला गया, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए कोताही तो हुई है, मैंने खुद कोशिश की थी, सीसीएल में उन्होंने 30 बेड लगा दिए थे और वो उसको 30 बेड को ऑक्सीजन युक्त करना चाहते थे और उनको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए थे। मैंने खुद कोशिश की थी, मैंने राज्य सरकार के लोगों से बात की, हम नहीं दिला पाए। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर कुछ व्यवस्था करके उनको दिया, वो एक अलग बात है। मैंने एचईसी वालों से रिक्वेस्ट किया कि इंडस्ट्रियल दीजिए, मैंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी कि पूरे देश में इंडस्ट्रियल सिलेंडर को आप अलाउ कर दीजिए मेडिकल के लिए, उन्होंने किया भी। और बता दूं मेरे पत्र के एक हफ्ते के अंदर अंदर सारी कार्रवाई हुई, और ये भी बता दूं कि जब केंद्र का पत्र आया उसके एक दिन के अंदर में राज्य सरकार ने भी चिट्ठी इशू कर दी। तो बहुत जगह पे जो इंडस्ट्रियल सिलेंडर थे वो मेडिकल सिलेंडर के रूप में लग गए, तो ये फायर फाइटिंग हुई है बिल्कुल। लेकिन इतनी ही है, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, सिलेंडर की कमी थी। तो क्या मौत हुई थी कुछ लोगों की? रिपोर्ट तो नहीं है, तो केंद्र सरकार भी कह रही है किसी के, देखिए केंद्र सरकार नहीं कह रही है, केंद्र सरकार वही कह रही है जो राज्य सरकार उनको बता रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार ने ऑक्सीजन का रोना, मौत का रोना जब रोया तब केंद्र सरकार ने उनको आईना दिखाया कि देखो तुमने क्या हमें रिपोर्ट दी है। आज सारे राज्य सरकार चुप हो गए, बोलती बंद हो गई।
मैं था सदन में जब मंत्री ने जवाब दिया, मैं सदन में था और उसने ठोक ठोक के बोला कि भाई आप बताएं ना कि आपकी किस सरकार ने रिपोर्ट किया है कि मैं हमारे यहाँ मौत हुई है, आप किस आधार पे बोल रहे हो, या तो आप जिस आधार पे बोल रहे हो तो क्या आप मानोगे कि आपकी राज्य सरकार चाहे जो भी पार्टी की सरकार हो झूठ बोली है, उसने छुपाया, क्यों छुपाएंगे वो, अगर मौत हुई है तो उनको बताना था, बताने से तो उनका कुछ नहीं बिगड़ जाता, कोई सजा तो नहीं मिलने वाली थी। बोला हम क्यों बताएंगे, हम क्यों कम बताएंगे, अगर 100 मरे हैं तो 100 बताएंगे। तो ये बात देखिए, ये राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन मेरे समझ में भी नहीं आता है कि लोग बोलते हैं मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। अरे भाई कोई भी सरकार क्यों छुपाएगी, सरकार को कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई, अच्छा कंपनसेशन भी देना होता तो उनको अपने घर से तो कंपनसेशन देना नहीं, सरकार का पब्लिक का पैसा है। बिल्कुल, लेकिन सर ताज्जुब यही हो रहा है, सबको हो रहा है कि आंकड़े जीरो आ रहे हैं, जबकि उस समय माहौल ऐसा बन गया था कि हर जगह से आ रहा था कि यहाँ से ऑक्सीजन से मौत होगी, वहाँ से ऑक्सीजन से मौत होगी, अंत में आंकड़े निकल के आए कि हर राज्य कह रहा है कि हमारे यहाँ तो एक भी की मौत नहीं हुई। देखिए ऐसा भी हो रहा था कि क्राइसिस मच रही थी, क्राइसिस मच रही थी, लोगों को ऑक्सीजन मिल भी जा रहा था, लेकिन हाँ विलम्ब हो रहा था, ये फैक्ट है, लेकिन ऑक्सीजन के कारण मौत हुई ऐसा कोई डॉक्टर लिखने को तैयार नहीं। और चूंकि ये मेडिकल का विषय है तो डॉक्टर नहीं लिखेगा तो कोई आपके एमपी एमएलए तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा चर्चा का सवाल था कि आखिर गवर्नमेंट क्यों कह रही है कि कोई किसी की मौत जो है वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया इस चीज़ को कि गवर्नमेंट क्यों कह रही है। आपसे एक सवाल और है कि आने वाले आपका जो कार्यकाल है उसमें आप झारखंड के लिए किसी भी जगह के लिए क्या योजना आपके कि हम झारखंड के लिए ये करने वाले हैं। देखिए साहब, जब बिहार एक राज्य था तो हम लोग बहुत किस्मत वाले थे कि हमारे पास में 2 स्टील प्लांट थे जो कि पूरे देश में कहीं नहीं था। आज हमारे पास में 3 बड़े स्टील प्लांट हैं आज भी हम लोग, लेकिन और भी अधिक स्टील प्लांट लगने की संभावना है। हमारा अभी 100 मिलियन टन का देश का प्रोडक्शन है जिसको 2030 तक मात्र 7-8 साल के अंदर में तिगुना होना है, 300 मिलियन टन, 3 करोड़ टन, आप या 30 करोड़ टन। अब देखिए कि आर्सेलर मित्तल को हमने जगह नहीं दी, आर्सेलर मित्तल चले गए, एसआर स्टील खरीद लिया उन्होंने 60,000 करोड़ लगा करके। इस तरह की जो नीतियां हमारे यहाँ हैं तो मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया कि इस राज्य के जो नीति निर्धारक है वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे कुछ हो, अगर नहीं चाहते हैं तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग नहीं चाहते हैं। रघुवर सरकार की चाहे आप जितनी आलोचना कर ले, लेकिन मोमेंटम झारखंड जब हुआ था तो सारे देश के उद्योगपति झारखंड आए थे, टॉप एवरीबॉडी वाज देयर। ठीक है खाने पीने में टूर में 2-4, 10-20 करोड़ खर्च हो गए, साधारण चीज ही है, और एमओयू भी हुए, उनकी सरकार बदल गई, लोगों ने इच्छा जताई कि हम आपके यहाँ निवेश करना चाहते हैं, तो इच्छा जताई, उनको आप ले आए तो पहली शुरुआत तो वहाँ हो गई। मैं तो समझता हूँ आपका पैसा वसूल हो गया, अब आगे का काम जो है आने वाली सरकार को करना है। अब वो कुछ नहीं करेंगे और क्रिटिसाइज करेंगे, तो सोचिए कि भाई कोई निवेशक को लाना आज के दिन में, जैसे मैंने आर्सेलर मित्तल का उदाहरण दिया, आर्सेलर मित्तल को आपने जमीन नहीं दी, वो गुजरात चला गया, और भी कई लोग हैं। तो आप जमीन नहीं देंगे तो उसके लिए चॉइस है, वो कहीं भी लगा सकता है, उसको झारखंड ही आना कोई आवश्यकता नहीं है। आज लोग बाहर से विदेश से कोयला और आयरन ओर मंगा करके स्टील प्लांट चला रहे हैं, इस भ्रम में हम लोग नहीं रहे कि हमारा आयरन ओर नहीं मिलेगा तो स्टील प्लांट इंडिया का नहीं चलेगा, या हमारा कोयला नहीं जाएगा तो देश में अंधेरा हो जाएगा, इस मगलाते में नहीं रहे। आज दुनिया बदल गई है। बिल्कुल, यही सवाल था कि आने वाले समय में योजनाएं क्या हो सकती हैं आपकी तरफ से झारखंड के लिए। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि देखिए आप
पलायन को रोकने की बात करते हैं, यहाँ पे नौकरी नहीं दे सकते नहीं है, तो आपको उसके लिए एक सोच रखनी पड़ेगी, उसके चर्चा रखना पड़ेगी, इसके उचित माहौल बनाना पड़ेगा। मैं किसी भी स्तर पे निवेश के माहौल के बारे में गंभीरता नहीं देखता हूँ। तो जब जो योजना बनाने वाले हैं वो गंभीर नहीं होंगे तो कोई क्या सोचेगा। बिल्कुल, अफसोस के अलावा अब हम लोगों के पास में ज़्यादा कुछ नहीं रहा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने सरकार वैसी चुनी है जो कि कुछ नहीं करती है, उनकी प्राथमिकता ये नहीं है। बिल्कुल, हाँ आपका आरोप सही है, आप लगा सकते हैं। लेकिन एक सवाल और आपसे मैं करना चाहता हूँ। रांची का सबसे बड़ा अस्पताल है रिम्स, जिसके बदहाली की तस्वीरें जो होती हैं वो लगातार वायरल, कभी ना कभी उसकी बदहाली की चीज़ें सामने आती हैं। आखिरकार उस अस्पताल में ऐसा क्या है कि उसको दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? या अभी हाल ही में एक नया एम्स भी खोल रहा था, उसको लेकर भी विवाद हो गया, तो इन चीज़ों को लेकर सरकार क्यों नहीं जो है सजगती है या जागती है कि कम से कम रिम्स से ऐसी तस्वीरें ना सामने। देखिए साहब, रिम्स तो बड़ी बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है जी। एक सौदागिरी तो हम मैनेज नहीं कर पाते, बहुत बड़ी बात कही आपने ये चीज। ये पूरा मामला प्रबंधन का है, कुप्रबंधन का है और कुछ नहीं है। जिम्मेदार, पैसे की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है और प्रबंधन की कमी है। जिम्मेदारी भी तो तय नहीं होती, लगातार तस्वीर आती। जिम्मेदारी का प्रबंधन का ही हिस्सा है, इसी चलते रहेंगे। बिना किसी सरकारी चंदे के, मदद के, शहर के बीच में नागरमल मोदी सेवा सदन साधारण लोगों के द्वारा इतने दशकों से चल रहा है ना। झारखंड में वर्तमान सरकार जो है उसमें आप कुछ अच्छाई देखते हैं या क्या बुराई देखते हैं, इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? अच्छाई तो मैं ये देखता हूँ कि कमोबेश स्टेबल लगती है और ये ज़रूरी है। मुख्यमंत्री का युवा होना ये आवश्यक है, तो मुख्यमंत्री युवा हैं, एनर्जेटिक हैं, एक बड़े जन समूह का उनके ऊपर में भरोसा है। ये एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव बात है और एक स्टेपिंग स्टोन के लिए एक अच्छी बात है, और उनके नेतृत्व को उनकी पार्टी में लोग स्वीकार भी रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि उसी जिस सरकार के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसी सरकार को गिराने के आरोप में दो दिन पहले एक सब्जी बेचने वाले एक ठेकेदार को गिरफ्तार किया गया। जब ऐसा है ना कि कभी सोचा है आपने कि इस तरह की खबरों का अखबारों में तो हेडलाइन बन जाएगी, न्यूज चैनल के लिए टीआरपी बढ़ जाएगा, नेताओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दूसरे को गरियाने का मौका मिल जाएगा, लेकिन राज्य को कितना नुकसान हो रहा है कभी किसी ने सोचा है कि एक सब्जी वाला, एक दैनिक मजदूर सरकार गिराने को चला है, और उसको हम सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है कि एक ट्रेनी जूनियर ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए दे रही है। अरे साहब, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, अगर है तो अंतर्राज्यीय मामला है, आप सीबीआई को दीजिए ना, सीबीआई को हैंडओवर कीजिए कि साहब खोज के ढूंढ के निकालिए कि कौन लोग हैं इसके पीछे। देखिए, ये इन मुद्दों को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इससे राज्य की छवि खराब होती है। अभी आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, जिस राज्य में इस तरह की छवि बनेगी कि यहाँ तो सब्जी वाला सरकार गिरा देता है, तो वहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा, किससे बात करेगा वो आके? हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी बात को भी वो गंभीरता से नहीं लेगा, ये गलत है। झारखंड सरकार में हेमंत सोरेन जी जो है युवाओं के लिए रोजगार की बात किए थे, उसको लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, रोजगार भी झारखंड को लेकर क्या आपकी राय है? देखिए, रोजगार तो चाहिए, रोजगार तो चाहिए। अब रोजगार में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कभी कि स्वरोजगार भी होता है, चाहे पकौड़े बनाओ वो भी एक रोजगार है, तो बहुत मजाक उड़ाया गया उनका,
मैं विश्वास करता हूँ कि आप आंदोलन करते रहिए, सरकार जो है आपके बहुत थोड़े से वर्ग को सरकारी नौकरी मिल सकती है, बाकी लोगों को या तो निजी क्षेत्र के लोग देंगे या फिर वो खुद अपना स्किल हुनर तैयार करेंगे और खुद अपना कुछ रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। मुझे अफसोस होता है कि इस दिल्ली शहर में झारखंड की हजारों लड़कियां 16-18 बरस की उम्र में आके घरों में असुरक्षित माहौल में काम करती है। कल्पना कीजिए कि उनके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी और क्या मजबूरी होगी कि अपने जवान लड़कियों को बाहर भेजने की। जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे और इसके लिए रोजगार को हम सबसे प्राथमिकता के आधार पे नहीं रखेंगे और बाकी चीज़ों पे उलझे रहेंगे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, स्थानीयता के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे, तब तक मैं समझता हूँ कि हम अपने आने वाले पीढ़ियों के साथ में न्याय नहीं कर रहे हैं। एक मुद्दा अभी बहुत चर्चा में है, जनसंख्या नियंत्रण कानून जी, इसके बारे में आपको लगता है कि ये कानून बनना चाहिए? जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है इसमें कुछ प्रोत्साहन की बात की गई है, कोई नेगेटिव बात नहीं कही गई है। ये संजय गांधी वाला नियंत्रण फार्मूला नहीं है जी, रेडर ये है कि जो लोग नियंत्रण करते हैं उनको कुछ प्रोत्साहित किया जाएगा। आई थिंक दिस इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट विथ। तो मतलब ये सभी को अपनाना चाहिए, हर राज्य को और केंद्र सरकार को भी कानून बनाना चाहिए। हर होशियार आदमी ये कर भी रहा है और सारे धर्मों में कर रहा है, ऐसा नहीं है। केरला में मुस्लिम क्रिश्चियन लोग हैं, वहाँ पे भी पॉपुलेशन कंट्रोल क्यों है? अगर वहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियन लोग नियंत्रण नहीं रखते तो वहाँ की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होनी चाहिए थी, नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो वहाँ भी लोग समझ रहे हैं इस बात को, तो हर समझदार आदमी समझ रहा है। तो ये कानून उनके लिए जो नहीं समझ रहे हैं कि भाई तुम अगर ये करोगे तो तुमको ये प्रोत्साहन मिलेगा, इट इज़ राइट। इसको एक अलग चश्मे से भी देखा जाता है कि किसी को, किसी की जनसंख्या को घटाने के लिए, किसी की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कानून लाया जाता है। बिल्कुल नहीं, देखिए ये सबकी जनसंख्या हर आदमी को समझदार बनाने के लिए, जिस तरह से आप हर व्यक्ति को शिक्षा देते हैं पढ़ाने के लिए, उसी तरह से हर आदमी को समझदार बढ़ाने के लिए आप बच्चे को स्कूल में ले जाते हैं, उसको मिड डे मील देते हैं, एक इंसेंटिव है कि आप आओ मेरे यहाँ। इट्स इसी तरह से इंसेंटिव के तौर पे पॉजिटिव वे में ये व्यवस्था की जा रही है। अंत में एक सवाल और मेरा आपसे है और वो रांची से रिलेटेड ही है, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप उस पर विस्तृत से बोलें। वो समस्या बड़ी है हरमू नदी को लेकर। हरमू नदी की कुछ फुटेज हम लोग आने वाले कुछ समय में हरमू नदी पर एक स्टोरी भी करने जा रहे हैं। उसकी स्थिति क्यों दयनीय होती जा रही है? क्या जनसंख्या ही वजह है, अतिक्रमण ही वजह है, या गवर्नमेंट की नज़र में आखिरकार वो और नदी क्यों नहीं नज़र में आती कि इस नदी को नाला बनाने से रोका जाए? जो भी उसमें गंदे नाले जा रहे हैं, घर की नालियाँ जा रही हैं, उनके पानी को क्यों नहीं पहले स्वच्छ करके फिर उसमें छोड़ा जा रहा है? उसकी चौड़ाई इतनी कम कर दी गई है कि पानी भी निकलना मुश्किल हो रहा है उसका, कई तालाब थे उन पर भी कब्जा हो चुका है। ये शहर के जो गंदे नाले अगर हरमू नदी में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? एकदम सीधा प्रश्न, पानी तो निकलेगा बिल्कुल, शहरों का पानी निकलेगा, कहाँ जाएंगे? तो एक सीवरेज की व्यवस्था थी, सीवरेज ड्रेनेज की व्यवस्था थी जो बुरी तरह फेल हो गई है और कुछ लोगों के व्यक्तिगत टकराव के कारण और हमारी जो एग्जीक्यूटिव टीम है उसके कारण पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो जब तक वो नहीं होती है तब तक आप हरमू नदी पे चाहे जितनी भी फुटेज दिखाइए, फैक्ट ये है कि वो शहर के बीच से बहने वाली एक छोटी सी नदी है और उस नदी में नाला पूरे शहर का पानी जो बरसात का भी आता है और नाले का भी आता है और सारा पानी वहाँ से बहते बहते अपने गेतलसूद डैम तक जाता है, स्वर्णरेखा नदी के माध्यम से, ये फैक्ट है।
और ये प्रक्रिया को आप रोक नहीं सकते जब तक कि आप ये जो पानी गंदा पानी निकलता है उसको प्रोसेस करने, लेकिन हम बड़ा तालाब में गंदे पानी को जाने से नहीं रोक पा रहे हैं भैया, तो पूरे शहर को एक पॉइंट पे एक दो नाले को तो हम रोक नहीं पा रहे हैं, अरबों रुपये हमने शहर पे खर्च कर दिए। तो बहुत बड़ा फेलियर है फिर, अरबों रुपये हमने नाली बनाने पे खर्च कर दिए जिसका कि यहाँ से यहाँ है और उसका आगे पीछे पानी जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अगर ऐसे पुअर इंजीनियरिंग को सरकारें स्वीकार करती आ रही हैं और कोई प्रश्न नहीं उठता है तो भगवान मालिक है। मतलब इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार की, सरकार ही है। देखिए सरकार तो हर चीज के लिए है, इसलिए सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक को भी कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि पब्लिक का पानी घर से निकलेगा ही, जहां लोग रहेंगे वहां गंदा पानी निकलेगा ही, निकलना है। उसके लिए आप उसको बोल देंगे कि वो अपना नाली सड़क पे छोड़ दिया, तो कोई सड़क पे नहीं छोड़ेगा तो कहाँ छोड़ेगा, उसके घर से तो पानी या अपार्टमेंट बिल्डिंग बन गई उसका पानी तो निकलेगा ही, आप क्या व्यवस्था दे रहे हो। ये व्यवस्था हमारे निगम पे है और निगम के अधिकारी अपने को राज्य सरकार का ही अंग समझते हैं, वहाँ की जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी उनका रोल क्या है मेरी समझ में नहीं आता और बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये निगम की फेलियर है, निगम फेलियर। और निगम की टीम जो चाहती है कि भाई हम ये करें प्राथमिकता उनकी है, उनकी प्राथमिकता थी जयपाल सिंह में वेंडर मार्केट बनाना, बैंक्वेट हॉल बनाना, बना लिया। उनकी प्राथमिकता में नाला बनाना नहीं है, नहीं बना, ये सिंपल। तो कुल मिला जुला के शहर का पानी कैसे निकले, नदी का पानी कैसे निकले, सरकार की प्राथमिकताओं के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे एक सवाल नहीं, मैं आपसे पर्यावरण पोस्ट के जो हमारे दर्शक हैं, हमारे इस चैनल को जो हम पर्यावरण के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इनसे आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए मैं दो चीज़ बार बार निगम को भी बोलता हूँ और सरकार को भी बोलता हूँ, और मैं कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ, रांची शहर में और भी शहरों में सभी जगह सड़क के किनारे नाले के ऊपर में सब्जियां बिकती है जो हम सब खाते हैं, क्या इसकी बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती, क्या हर मोहल्ले में छोटी सी सब्जी बाजार छोटा सा नहीं हो सकता, ये पहला। दूसरा, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि बच्चों को खेलने के लिए मैदान चाहिए, कंप्यूटर नहीं चाहिए, क्या हम खुली जगह सरकार नहीं छोड़ सकती। मैंने एक सुझाव दिया था, बकरी बाजार है अपर बाजार में, इतनी बड़ी आबादी कोई खाली जगह नहीं, और कोई देखिए कहीं पे कोई खाली जगह होती किसी निजी की, जब तक उसकी ज़रूरत नहीं होती है तो बच्चे वहाँ खेल लेते हैं, जिस दिन उसको ज़रूरत होती है वो बाउंड्री वॉल लगा के अपना मकान बनाते हैं, उसको रोक भी नहीं सकते, अब रोकना भी नहीं चाहिए। तो सरकारों को चाहिए कि कुछ खुले मैदान के लिए जगह छोड़े, पार्क बनाना ज़रूरी नहीं है, बच्चों के लिए जहाँ दौड़ सके, भाग सके, पिट्ठू खेल सके, खो खो खेल सके, ऐसी जगह छोड़ने की आवश्यकता है, प्रदर्शन के लिए छोड़ दिया जाए। ये इसको आप चाहे सेहत से जोड़िए, चाहे पर्यावरण से जोड़िए, पर्यावरण से भी है कि खुली हवा चाहिए, बिल्कुल वहाँ कुछ पेड़ लगा दीजिए। तो ये मैं आपके माध्यम से दर्शकों को कहना चाहूँगा कि वो अपने पार्षदों पे इन पे दबाव दें कि जो सरकार की जो जमीन है उस पर ज़्यादा निर्माण ना करने दें। तो आप देख रहे थे हमारी एक खास पेशकश जिसमें हमने राज्यसभा सांसद जो झारखंड से हैं, वो व्यवसायी भी हैं, उनसे हम झारखंड की स्थितियों को लेकर साथ में पर्यावरण के ऊपर चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये चर्चा का विषय पसंद आया होगा। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट, मैं हूँ आपके साथ अविनाश। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।